तो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है अगर आप किसी भी एक टर्म को इंक्रीज करोगे अगर लेट से स्पीड को इंक्रीज करोगे तो टाइम कितना होगा डिक्रीज होगा से सुन और अगर स्पीड को डिक्रीज करोगे तो टाइम क्या होगा इंक्रीज अब यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है इनिशियली ये सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम लगता था 45 मिनट्स फाइनली टाइम कितना लग रहा है 48 मिनट का तो यहां पे कितने का इंक्रीज है बच्चों टाइम में का इनक्रीज है फोर्टी फाइव पे दैट इंप्लाई टाइम वन बाई क्या हो गया है इनक्रीज हो गया है अगर टाइम को वन फिफ्टीन से इनक्रीज करोगे तो स्पीड को किससे डिक्रीज करोगे बच्चे से सो so, यहां वन बाई सिक्सटीन किसको रिप्रेजेंट करेगा जो स्पीड में कमी किया था और कमी कितने कि थी? 5 की थी फाइव किलोमीटर पर आवर की तो यही वन बाई सिक्सटीन रिप्रेजेंट करेगा फाइव किलोमीटर पर आवर को सो so अगर किसी स्पीड का वन बाई किलोमीटर पर आर है तो टोटल स्पीड कितना मिलेगा बच्चों किलोमीटर पर आवर ठीक है तो आपको स्पीड मिल गया 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम टोटल कितना लग रहा था 45 मिनट्स तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर थ्री तो फोर आर आर और फोर से ट्वेंटी होगा सिक्सटी किलोमीटर का सो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे इस मेथड से अनकंफर्टेबल है वो एक और मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं देखो देखो स्पीड इंटू टाइम किसके इक्वल होता है डिस्टेंस के और ये कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो एस वन इंटू टी वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो एस टू इंटू टी टू यहां से एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों टी टू अपॉन टी वन अब टी टू फाइनल टाइम कितना था फोर्टी एट मिनट और इनिशियल टाइम कितना था फोर्टी फाइव मिनट तो यहां से दोनों मिनट मिनट से minute canceled, और ये थ्री से सिक्सटीन और ये थ्री से आएगा बच्चे 15. तो ये अपॉन फिफ्टीन यही रेशियो किसके इक्वल है एस वन अपॉन एस टू के सो एस वन अपॉन एस टू का रेशियो अगर आपको सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन मिला तो दोनों के बीच में गैप कितना है बच्चे वन दोनों स्पीड में अंतर कितना होगा वन का लेकिन आपको डिफरेंस चाहिए कितना फाइव किलोमीटर पर आर का तो न्यूमिनेटर में भी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो इफेक्टिवली स्पीड का रेशियो कितना मिल जाएगा आपको एस अपॉन एस इज इक्वल टू क्या होगा सिक्सटीन इंटू फाइव किलोमीटर पर आर और फिफ्टीन इंटू फाइव किलोमीटर पर आर तो इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर और रिड्यूस्ड स्पीड कितनी होगी 5 किलोमीटर से कम कर दिया तो 75 किलोमीटर पर आवर तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टोटल ट्रेवल करने का टाइम कितना लग रहा था 45 मिनट यानी 45 फाइव डिवाइडेड बाई सी और ये वैल्यू किस में होगा आर में आर से आर कैंसिल और अगेन इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आएगा सिक्सटी किलोमीटर का सो so यहां से भी आंसर कितना मिलेगा वन आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो